क्या आइकन अवार्ड मिला है आपको, कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन है. मैं बहुत जेनरसली ज्यूरी और जो जिन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और बहुत आइकॉनिक अवार्ड है. और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट करना जिसमें समथिंग टूवर्ड्स अ सोसाइटी, समथिंग फॉर द कंट्री, तो मुझे कई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कई ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर मैं अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर पाई हूँ, वेयर आई कैन टॉक अबाउट आर्मड फोर्सेस, जहाँ पर मेरी कंट्रीब्यूशन से माय कंट्रीब्यूशन वाज फेलिसिटेटेड बाय आर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी. और उसके बाद ये अवार्ड मिलना, मैं बहुत ही खुश हूँ. सिंगिंग की बात की जाए तो आप किस प्रकार की सिंगिंग करें, क्लासिकल सिंगिंग में ज़्यादा रुचि आपको कि पॉप सिंगिंग में या फिर हिप हॉप? सो बेसिकली मैं एक अलग ही बैकग्राउंड से आती थी. पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन आई फॉलो माय पैशन, म्यूज़िक वाज माय पैशन. आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर इंडियन क्लासिकल. से पहली बार नहीं है जब मुझे इस तरह की फीलिंग आई है, क्योंकि इसके पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशियन गेम्स क्लोजिंग, विच वॉज 2010 गुआंगझोउ चाइना में हुआ था. और इट हैड अ रिकॉर्ड बीटिंग ऑडियंस, 8 लाख ऑडियंस, एंड आई हैड 14,000 डांसर्स विद मी. तो वो अपना एक जो आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्स, तो एक अलग ही एक फीलिंग होती है जब आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, दैट यू नो द यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलना तो वाकई आई मीन लाइक नथिंग लाइक इट. तो ये बहुत ही बड़ी बात है. और आज तो आई एम सेलिब्रेटिंग इट. अपने आप में ये एक बहुत दिग्गज पुरस्कार है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया. आई मीन लाइक आई गॉट अवॉर्डेड फॉर दिस. मैम, दादा साहब फाल्के अवार्ड में आपको कैसे सिलेक्ट किया गया? मेरा प्रीवियस काम अगर देखा जाए, जो किया है मैंने, उसको इसको काफ़ी देर से जो रिकग्निशन मिली है, बिकॉज मैं 3 से 4 साल दुबई में एज अ फिल्म एंड म्यूज़िक एकेडमी एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करती रही हूँ. और उसके बाद ऑल्सो गेटिंग एन एप्रिसिएशन फ्रॉम आर लेट प्रेजिडेंट ए पी जे अब्दुल कलाम जी, माई एक्सटेम्पो वर्क फॉर द आर्मी, जो कि मैं काफ़ी देर से, मैं कह सकती हूँ कि तपती हुई रेत में जहाँ हमारे बॉर्डर हैं, वहाँ से लेके माइनस डिग्री पे जो ऑल्टीट्यूड्स पे जो हमारी फौजें हैं, मैंने वहाँ वहाँ तक परफॉर्म किया है. तो कई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं. तो इन टोटैलिटी जब देखा जाए, ऑल्सो द एशियन गेम्स, तो मुझे लगता है कि मेरा जो मेरी म्यूज़िक की तरफ एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कहीं ना कहीं आई हैव मार्क्ड माई प्लेस देयर. लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप फैन से कहना चाहते हैं या जो आप लोग मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मीडिया, तो ऐसा कुछ मैसेज है आपका फैंस के लिए? मेरा फैंस के लिए मैसेज, मैं अपनी आवाज़ से हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी और ऑलवेज वॉन्टेड टू बी डिफरेंट. इसीलिए मैं ये मैंने ज़रिया चुना कि मैं अपनी जो मेरी सोच है और अपनी जो मेरी आवाज़ है, मेरी आइडेंटिटी है, और मैं उसे अपना काम प्रेजेंट करूं. और जो मैं कर रही हूं, जो आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं, और बस यही है कि आपका प्यार बना रहे. आप हमें भी बेस्ट विशेज़ दें, और भी बहुत जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर माइट नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द बिग म्यूज़िक लेबल्स. सब अपने उसी माध्यम से कि आपके पास अपना एक चैनल है, अपना एक यू नो योर ओन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया इज़ देयर, तो उसी ज़रिए से अपना टैलेंट पहुंचा रहे हैं. तो टैलेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो बिग बैनर से रिलीज़ हो या अपने छोटे चैनल से रिलीज़ हो, वो कभी रुकता नहीं है अगर वो प्रॉमिसिंग हो तो. थैंक यू.